बाबा महाकाल की नगरी में पित्त पक्ष के दौरान केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में विधि विधान से कैदियों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान व तर्पण किया गया। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय जेल में बंदियों के धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत महालय महाश्राद्ध में पितरों को बंदी अपने पितरों के निमित्तार्थ आकर के विधि पूर्वक पूजन संपन्न यहाँ कर रहे हैं। सुधायेभ्यः सुधाय नमः। महालय महाश्राद्ध के अंतर्गत आज केंद्रीय जेल परिसर में जेल प्रशासन के माध्यम से इसमें बंदियों की धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत उनके दिवंगत पितरों के निमित्तार्थ महालय महाश्राद्ध में हम जो है पितरों के निमित्त जो है यहाँ पर विधि विधान से पूजन संपन्न करवा रहे हैं। संख्या देखिए नियमों के अंतर्गत है, तो जो भी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ने हमें दी है, जेल प्रशासन ने हमें दी है, उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं हैं और विधि विधान से बंदी जी अपने दिवंगत पितरों को स्मरण करते हुए पूजन कर रहे हैं अवंतिका उज्जैनी के जेल परिसर में। ये मेरा 8वां वर्ष है। हमारी जो जेल है ये सिद्धवट तीर्थ की परिधि में है। सिद्धवट तीर्थ है जहाँ पर माँ शिप्रा प्रवाह मान है, जेल के सामने से भी माँ शिप्रा प्रवाह मान है, वहाँ पर हम तिरोहित तीर्थ पुरोहित द्वारा पूजन होता है। यहाँ पर भी मैं पुरोहित आकर के बंदी भाइयों के निमित्तार्थ इनके कल्याण के लिए एक मानवतार्थ इस स्थान पर आकर के पूजन संपन्न करवा रहा हूँ जी। इस बार मन में भाव आया कि अभी महालय महाश्राद्ध में श्रद्धालुओं की सभी की भावनाएं रहती है कि गया तीर्थ में जाकर के पूजन करें, तो हमने गया तीर्थ का जल और वहाँ की मिट्टी तीर्थ की मंगवा करके सभी के सम्मुख सभी के पास में रखवाई उपस्थित करवाई। साथ ही चलचित्र के माध्यम से वहाँ के पुरोहित हमसे जुड़े हैं और वहाँ के माध्यम से चलचित्र के माध्यम से टीवी के माध्यम से सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही है। सर यही कि श्रीमान जेल अधीक्षक महोदय का हमें समय समय पर सहयोग मिलता रहा है, उन्होंने श्राद्ध पक्ष को देखते हुए हमारे पितरों के लिए पितरों की शांति के लिए उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। किसी कारणवश हम हमारे घर को नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने यहीं पे ये कार्यक्रम रख के हमारे पितरों को हमारे द्वारा शांति प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और समय समय पे हमारा अच्छा सहयोग एवं मार्गदर्शन करते हैं सभी धार्मिक एवं रुचित्मक कार्यक्रमों के लिए, उनका हमेशा हमारे प्रति सहयोग अच्छा रहा है और रहता है। इसके पहले पूर्व में इस प्रकार की गतिविधियाँ नहीं होती थी, लेकिन अधीक्षक महोदय द्वारा हमें समय समय पर इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज से जोड़ने के लिए अच्छे कार्यक्रम किए जाते हैं जिनके लिए हम सदा आभारी हैं। केंद्रीय जेल उज्जैन में पारंपरिक रूप से पिछले साल भी तर्पण की कार्रवाई हुई थी, इस बार भी हमारे पंडित जी श्याम पंचोली जी हैं, वो तर्पण कराने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके द्वारा निवेदन किया और फिर हमने बंदियों के हितार्थ, क्योंकि पूर्वजनों के लिए ही श्राद्ध किया जाता है उनकी शांति आत्मा की शांति के लिए, तो हमारे कम से कम 147 बंदियों ने तर्पण की कार्रवाई की। हमारे पुरुष बंदी लगभग 109 हैं और महिला बंदी 38 हैं जिन्होंने तर्पण किया है और अपने पूर्वजनों को आत्मा की शांति के लिए काम किया।